हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का जिज्ञासा ट्यूटोरियल्स में हम स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का प्रोज का छठा चैप्टर। हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर का नेम है द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम। जैसा आपको नाम से ही पाठ के पता चल रहा है कि इस पाठ में हमें सड़क पर कैसे चलना है, कैसे अपना व्हीकल चलाना है, कैसे ड्राइव करना है, इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। तो जो राइटर है इस चैप्टर का, उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन वो बताना चाहते हैं हमें सड़क के जो बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जिसे सभी को पता होना चाहिए, उन नियमों के बारे में हमें बताएंगे। और हम सभी को भारत देश में रहते हैं तो हमें यहाँ के ट्रैफिक यानी यातायात के नियमों का पता होना चाहिए, जिससे हम स्वयं को और दूसरों को भी सड़क पर चलते समय दुर्घटना से बचा सके। और अगर हमें इन नियमों का पता है तो हमारा जो ट्रैफिक लगता है, जाम लगता है जिसे कहते हैं, वो भी बहुत आसानी से पास होगा और ट्रैफिक नहीं लगेंगे। तो आप सभी मेरे वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं, आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, उसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं, फीडबैक अपना देते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए आइए हम अपना पहला पैरा आज स्टार्ट करते हैं, क्लास नाइन्थ का प्रोज का छठा चैप्टर द रूल्स ऑफ द रोड। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पैरा। तो देखिए कह रहा है, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु थॉट ही हैड अ राइट टू डू वॉट एवर वॉट ही लाइक्ड। कह रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी है जो यह सोचता है कि उसे स्वतंत्रता है करने की जो वह चाहता है। एक व्यक्ति की कहानी है जो सोचता है कि उसे स्वतंत्रता है जो वह चाहता स्वतंत्रता है करने की जो वह चाहता है। वन डे दिस जेंटलमैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड, स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड एंड ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि वन डे, एक दिन, दिस जेंटलमैन माने यह सज्जन व्यक्ति या यह सज्जन पुरुष, वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ बिजी रोड, एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले व्यस्त सड़क से होकर जा रहे थे। स्पिनिंग हिज वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड इन हिज हैंड, अपने घूमने वाली छड़ी को अपने हाथों में गोल गोल घुमाते हुए, एंड ट्राइंग टू लुक इम्पॉर्टेंट, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन यह सज्जन व्यक्ति एक बहुत ही व्यस्त सड़क पर अपने घूमने वाली छड़ी को अपने हाथों में गोल गोल घुमाते हुए जा रहे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखने का प्रयास कर रहे थे। ए मैन वॉकिंग बिहाइंड हिम ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, ऑब्जेक्टेड माने रोकना, विरोध करना। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो उनके पीछे आ रहा था उनका विरोध करता है, एक व्यक्ति जो उनके पीछे आ रहा है उनका विरोध करता है। कह रहा है, यू ऑट टू नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, ही सेड। उसने कहा, ही सेड माने उसने कहा, यू ऑट नॉट टू स्पिन योर वॉकिंग स्टिक राउंड एंड राउंड लाइक दैट, आपको अपने घूमने वाली छड़ी को इस तरह गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। I am free to do what I like with my walking stick, argue the gentleman. Argue माने क्या होता है, बहस करना होता है। कह रहा है कि उस सज्जन पुरुष ने बहस किया कि मैं अपने घूमने वाली छड़ी के साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। कह रहा है कि मैं अपने घूमने वाली छड़ी के साथ जो मैं पसंद करता हूँ उसे करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आर्ग्यू द जेंटलमैन, कह रहा है कि सज्जन पुरुष ने बहस किया। ऑफ कोर्स यू आर, वास्तव में आप स्वतंत्र हैं, यू आर मतलब आप स्वतंत्र हैं। सेड द अदर मैन, दूसरे व्यक्ति ने कहा, बट यू ऑट टू नो दैट योर फ्रीडम इंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, लेकिन
आपको अवश्य पता होना चाहिए कि आपको अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता वहीं पर एंड माने ख़त्म हो जाती है, वेयर माई नोज बिगिन, जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। जो लेखक का कहने का तात्पर्य है, यदि आपकी स्वतंत्रता, सामने वाली व्यक्ति की स्वतंत्रता मेरे लिए बाधा है, तो वो उसकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेखक वही बताने का, वो दूसरा व्यक्ति वही समझाने की बात कर रहा है कि आप ऑफकोर्स आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहते हैं आप उसे करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त होती है जहां पर मेरा नाक शुरू होता है। आगे देखिए, द स्टोरी टेल्स अस दैट वी कैन एंजॉय अवर राइट्स एंड फ्रीडम ओनली इफ दे डू नॉट इंटरफियर्स विथ अदर पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। स्टोरी माने कहानी हमें बताती है कि हम अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद केवल तभी तक ले सकते हैं जब तक वे दूसरे व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता में इंटरफियर माने दखल न दे। कहानी हमें यह सिखाती है या यह बताती है कि हम तभी तक या केवल तभी तक अपने स्वतंत्रता और अधिकारों का आनंद ले सकते हैं जब तक वे दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता और अधिकार में दखल न दे। आइए आगे देखिए, कह रहा है, देयर आर वेरी फ्यू ऑफ अस ऑफ कोर्स हु विल आर्ग्यू लाइक द जेंटलमैन इन द स्टोरी। कह रहा है देयर आर फ्यू ऑफ अस ऑफ कोर्स, कह रहा है कि वास्तव में हम में से बहुत कुछ लोग होंगे जो उस सज्जन व्यक्ति की तरह लाइक द जेंटलमैन इन द स्टोरी, कह रहा है कि कहानी के सज्जन व्यक्ति की तरह बहस करेंगे। कह रहा है वास्तव में कुछ लोग कहानी के सज्जन व्यक्ति की तरह बहस करेंगे। दैट वी हैव अ राइट टू गो अबाउट स्पिनिंग अवर वॉकिंग स्टिक इन अ बिजी स्ट्रीट। कह रहा है कि आगे कि हमारे पास अधिकार है व्यस्त सड़क में, व्यस्त गली में अपने घूमने वाली छड़ी को घुमाते हुए, स्पिनिंग माने गोल गोल घुमाना, कह रहा है कि अपने घूमने वाली छड़ी को गोल गोल घुमाते हुए जाने का। वी सर्टेनली डू नॉट इंटरफियर ऑन पर्पज विथ अदर पीपुल्स वे विदाउट नोइंग इट। कह रहा है कि निश्चित रूप से, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, वी डू नॉट इंटरफियर ऑन पर्पज विद अदर पीपल्स वे विदाउट नोइंग इट। कह रहा है कि हम जानबूझकर या जानते हुए निश्चित रूप से किसी के रास्ते में इंटरफेयर यानी दखल नहीं देना चाहते हैं। हम जानबूझकर या जानकर किसी के रास्ते में इंटरफेयर माने दखल नहीं देना चाहते हैं या ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। दिस हैपन व्हेन वी एक्ट विदाउट थिंकिंग आर व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी ऑट टू ओबे। यह केवल तभी होता है जब हम बिना सोचे कार्य करते हैं। वी एक्ट विदाउट थिंकिंग, जब हम बिना सोचे कार्य करते हैं, और माने या व्हेन वी डिसओबे रूल्स दैट वी आर टू ओबे, या फिर जब हम नियमों को नहीं मानते हैं जिनका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। कह रहा है कि यह केवल तभी होता है जब हम बिना सोचे कार्य करते हैं या हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं जिनका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। कह रहा है, लेट अस लुक एट सम ऑफ थिंग्स वी समटाइम्स डू विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर पीपुल्स कन्वीनियंस। कह रहा है कि लेट अस लुक एट सम थिंग्स वी समटाइम्स डू, कह रहा है कि आइए हम कुछ बातों को देखें। कह रहा है कि जिसे हम दूसरे पीपल, कह रहा है कि अदर पीपल्स माने दूसरे लोगों की कन्वीनियंस माने सुविधा का बिना ध्यान दिए हुए करते हैं। आइए कुछ बातों के बारे में देखें जब हम दूसरों की सुविधा के बारे में बिना सोचे हुए करते हैं। समटाइम्स इज गेटिंग, कह रहा है कि समवन इज गेटिंग मैरिड इन वन ऑफ द हाउस इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। कह रहा है कि किसी भीड़ भाड़ वाली गली में किसी व्यक्ति का विवाह हो रहा है। सडेनली वन मॉर्निंग अ लाउड स्पीकर पुट अप आउटसाइड द हाउस। कह रहा है कि अचानक एक सुबह घर के बाहर एक लाउड स्पीकर रख दिया जाता है। बिगिन टू ब्रॉडकास्ट
लाउड ग्रामोफोन म्यूजिक और उस पर ऊंचे आवाज में या तेज आवाज में संगीत बजने लगते हैं, ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं। आगे कह रहा है कि द म्यूजिक डज नॉट स्टॉप फॉर 2 or 3 days, जो संगीत है, गीत है, वो 2 या 3 दिनों तक नहीं रुकते हैं। सिक पीपल इन नियर बाई हाउसेस कांट स्लीप इन क्वाइट, कह रहा है कि पास के घरों में, नियर बाय है ना, तो कह रहा है कि पास के घरों में सिक पीपल माने बीमार लोग शांति से सो नहीं सकते हैं। आगे कह रहा है स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन कांट डू एनी रीडिंग, और जो छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। एंड एवरीबॉडी इज फोर्स टू लिसन द म्यूजिक, और प्रत्येक व्यक्ति वो संगीत सुनने के लिए मजबूर हो जाता है, बाध्य हो जाता है। द पीपुल इन द हाउस वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस टू डू नॉट ऑफ कोर्स मीन एनी हार्म टू देयर नेबर्स, कह रहा है कि द पीपुल इन द हाउस वेयर वेडिंग इज टेकिंग प्लेस, कह रहे हैं कि घर के लोग जहाँ पर विवाह संपन्न हो रहा है वास्तव में वे अपने पड़ोसियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। दे जस्ट डू नॉट रियलाइज दैट दे आर एक्टिंग विदाउट एनी थॉट फॉर अदर पीपुल कन्वीनियंस, कह रहा है कि दे जस्ट डू नॉट रियलाइज, वे केवल महसूस नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि वे दूसरे लोगों की सुविधा के बारे में बिना सोचे कार्य कर रहे हैं। समटाइम्स दे डू नॉट केयर इवन इफ समवंस डज ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि कई बार वे परवाह नहीं करते हैं, वे ध्यान नहीं देते हैं यदि कोई व्यक्ति उनका विरोध करता है, उन्हें मना करता है तो। बट रियली देयर इज नो नीड फॉर अ लाउड स्पीकर आउटसाइड द हाउस एट ऑल, कह रहा है कि लेकिन सचमुच घर के बाहर एक लाउड स्पीकर की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। All the guests in the house can hear the music without it. घर में जितने भी मेहमान अतिथि लोग आए हैं वो इसके बिना अर्थात लाउड स्पीकर के बिना भी संगीत सुन सकते हैं। Really, ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्या क्या करते हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।